हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपको एजुकेशन देता हूं मैथमेटिक्स और तेलुगु को। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि टेंथ क्लास एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में कुछ अपडेट मैंने दिया था कि वही अपडेट को एक बार फिर आपको अपडेट कर रहा हूं। और गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हुआ उस अपडेट का, क्या हुआ, इस तरह कमेंट कर रहे हैं। तो मैं भी वेट कर रहा था कि कुछ अपडेट आ जाएगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो अपडेट क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स पेपर में दो क्वेश्चंस इंटरमीडिएट के आए थे 8 मार्क्स के लिए। तो इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस आने से बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव कर दिए हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट भी किए हैं तो कुछ आंसर्स रॉन्ग आए हैं। तो मैथमेटिक्स फोरम वाले SCERT को, स्टेट काउंसिल ऑफ तेलंगाना को, एक लेटर लिखे थे कि इसके 8 मार्क्स दिया जाए। तो उस लेटर का क्या हुआ, यही अपडेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। मैं भी वेट कर रहा था कि शायद कुछ अपडेट आ जाए तो आपको दूंगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट पता है आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 मार्क्स जो बढ़ा रहे हैं कहे थे और मैथमेटिक्स फोरम वाले रिक्वेस्ट किए थे कि उसका कोई भी जवाब नहीं आया, मतलब वो 8 मार्क्स कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, SCERT वालों का कहना है कि वो जो क्वेश्चंस इंटरमीडिएट के थे वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस ही थे, सिलेबस में से ही थे और कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है। बच्चे अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो कर सकते हैं, इसलिए उसका कोई इशू नहीं है। तो इसलिए उसके कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहे हैं। तो जितना आपने लिखा है उसी के मार्क्स से गवर्नमेंट दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अगर अच्छा नहीं भी गया तो मार्क्स शायद अच्छे आएंगे, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट है, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस है। डिप्रेस मत रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, जो भी होगा बेहतर होगा। आपने इस पूरे साल भर मेहनत की है और मेहनत का फल ज़रूर आपको मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली आपको यही अपडेट देना था कि 8 मार्क्स का कोई अभी तक जवाब नहीं है। पेपर्स भी कंप्लीट होने को है, करेक्शंस को 1-2-3 दिन में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल मार्क्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी बोर्ड में, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। इस तरह पूरे सेंटर्स के मार्क्स वो लोग मंगा लेंगे SSC बोर्ड को रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं बन रहा कि आपके मार्क्स इंक्रीज किया जाए। तो ये अपडेट था आप जब मैं डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा अपडेट? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और आपके रिजल्ट के बारे में भी मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ। चैनल पर बने रहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हर अपडेट आप तक पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ एजुकेशन देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।